गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग पार्थ, योग, आरुष, हू एल्स? गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। योग, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग आरुष, मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इट्स नाइस टू सी यू योग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन वीडियो। We will wait for others to join and then we will start, okay? Yog is saying something. I can see your lip sync, but we can't hear you, beta. आपकी आवाज नहीं आ रही है योग। हेलो मैम। हाँ योग, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ मैम। अब आ रही है आपकी आवाज। हेलो आदित्य, अंजलि, आपके एग्जाम्स कैसे जा रही है? Going good? Great, यस मैम, दे आर गोइंग गुड मैम। great. पार्थ, और इन विच क्लास? सॉरी, इट स्किप्ड आउट ऑफ माय माइंड। पार्थ, आप किस किस कौन सी क्लास में हो? फोर्थ। फोर्थ स्टैंडर्ड में? अच्छा। हाय रुत्वा, गुड इवनिंग, सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू? गुड फाइन। टू सी यू, गुड टू सी यू। एंड योग, यू आर इन विच क्लास बेटा? आई एम रियली सॉरी, इट स्किप्ड आउट ऑफ माय माइंड। यू कौन से स्टैंडर्ड में अंजलि? मैम यस मैम, सिक्स। ओके ओके ओके। आई थिंक पार्थ यू इज इन सिक्स। ओके ओके, पार्थ मैम सबसे मतलब मैं छोटे। 7th में आ जाऊंगा इस 15। अरे वाह, फिर तो पार्टी चाहिए मैं यू। मैम आई विल बी इन 9th, 15th मार्च को। यस मैम अंजलि विल बी 9th, आदित्य विल बी इन मैं 6th। Aditya is happy to be in sixth. विल आल्सो बी इन 9th। Arutva will also come to 9th. That's great. That's great. How was your last week? It went well. Okay. 2 days went well. Arush, Arush, can you turn on a video camera? Great. I think Krish is not there. Chris will be joining us soon, right? Chris will be joining. Okay, today's topic is on screen time. जो हम इतना सारा मोबाइल यूज करते हैं, हमारा फेवरेट मोबाइल सबका, फिर हमारी फेवरेट टीवी, हमारा वीडियो गेम, लैपटॉप, फिर हम जितनी सारी सीरीज देखते हैं उसके ऊपर है टॉपिक, हाउ टू डू स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट। मैं यस पार्ट, क्लास से पहले ट्राई कर रहा हूँ गेम डाउनलोड करने की, पर हो ही नहीं रही। माइनक्राफ्ट हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? पता हाँ मैंने सुना है। हाँ है मैम? वो पैसे की आती है। yes, ma'am. अब वो डाउनलोड तो करो। मैंने फ्री में डाउनलोड तो कर लिया, बाद में बहुत पूछ रहे हैं। मैं तो मैम टी लोन से, मैंने तो सीधा लैपटॉप पे डाउनलोड कर दिया, खेलता हूँ। मैं तो माइनक्राफ्ट अपने फोन में खेलता हूँ। मैम ऐसा आ रहा है देख। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि जो गेम्स होती हैं वो आपका एक्सेस भी मांगती है। ये गेम क्या आप पूछ रही है आपसे? कैन नॉट सी व्हाट इज द गेम इज आस्किंग यू टू गिव योर आईडी पासवर्ड। इसमें मेरे तो दो दो ईमेल अकाउंट, मतलब जीमेल अकाउंट ना मैम, तो जीमेल अकाउंट डाल तो दिया पर तो भी नहीं कर रहा। पता है नॉर्मली क्या होता है पार्थ? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कौन से वेबसाइट से ये जो है गेम डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि कभी मैंने कभी यूट्यूब देख पे देख लिया था इसलिए मैम। लिया था। अच्छा, देन पॉसिबली हु यूजेस दिस गेम कैन गाइड यू बेटर कि इसका उसमें क्या फिल करेंगे डिटेल्स, तो इट विल हेल्प यू बिकॉज आई हैव नेवर डाउनलोडेड एंड यू नो यू व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू प्ले दैट मारियो वीडियो गेम।
I have also so much games in my phone. I have deleted some. You have deleted few. Okay. You love playing games. I can show my games. You want to show your games? Please go ahead. So Bart wants to show his games today. Let's see his collection. Bart has started screen sharing. Okay. Bart has 6 games. Heels of Plants vs. Zombies, Free Fire. Many children play Free Fire, Clash of Clans, Will Hero, BBZ Heroes. Okay. मैं अपना गेम कलेक्शन दिखा सकता हूँ? आपका गेम कलेक्शन? यस, गो अहेड यू. ओके मैम. Minecraft, Hitmaster, Assassin, Magic Fingers, Tacky Dash, Ultimate Motorcycle, Turbo Star, Spiral Roll, Multicraft. Okay. Great. So, yani haan, bachcho ko bahut pasand hai games ke, hai na? Yes, ma'am. बट मैं कभी कभी टाइम पास के लिए बाकी गेम खेलता हूँ, वरना मेरी मेन गेम तो माइनक्राफ्ट ही रहती है. आपकी भी माइनक्राफ्ट? मैं कुछ बताऊँ क्या मैम? गेम पे एक वेबसाइट है पोकी सर्च करने का, लिंक आता है, क्लिक करो, बहुत सारे गेम्स आ जाती है. अच्छा, पार्ट आपको गेम्स खेलना इतना ज्यादा पसंद है? यू हैव डन अ फुल रिसर्च. हाँ मैम, मेरे पास एक्सबॉक्स है पूरा, तो मैं फोर्टनाइट, माइनक्राफ्ट, रोग कंपनी, रॉकेट लीग एंड उसके बाद और भी बहुत सारी गेम्स है जो मैं एक्सबॉक्स पे सीधा खेल लेता हूँ. ओके, हाय विवान, गुड इवनिंग विवान, यू आर कमिंग वेरी ब्लर बेटा, वी कैन नॉट सी योर फेस. यस मैम, मेरा कैमरे में एक क्रैक आ गया है, आई थिंक इट विल फिक्स सून. इट्स ओके, बट आई कैन सी यू बट नॉट क्लियर, बट आई कैन सी यू. Good evening, Krish. How are you? Hello, Harsh. Good evening. Great, great. Good evening, ma'am. Can we start now? I think Harsh has also joined. Harsh, am I audible? Yes, ma'am. Great. How are you, Harsh? How are you, Krish, Vivan? Yes, ma'am. I am fine. Great. Krish, today's topic is on screen time. हम screen time में games पे भी बात करेंगे, internet पे बात करेंगे. जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं उस पर बात करेंगे, और जो हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उस पर भी बात करेंगे, जैसे टीवी हम यूज करते हैं उस पर भी बात करेंगे. ठीक है, आज आप लोग ज्यादा बात करेंगे और मैं आप लोगों को सुनूंगी. ठीक है, ग्रेट. आई थिंक टुडे इज योर फेवरेट टॉपिक, इट विल रियली हेल्प यू. सो आई विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू विद द टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट. पलक मैम, कैन वी स्टार्ट? Yes, ma'am. Great. Okay. So today's topic is screen time management. So what is screen time? जो भी हम time spend करते हैं using a device जिसमें screen होती है, जैसे smartphone हो गया, television हो गया, या कोई भी video game हो गया, अगर हम वो सब use करते हैं तो उसे screen time कहते हैं. ठीक है, तो अब हम phone भी use करते हैं, TV भी देखते हैं, फिर हम वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है. सो यू वांट टू से समथिंग अबाउट स्क्रीन टाइम और फोन और गेम्स और टीवी, व्हाई यू लाइक वाचिंग समथिंग, क्यों गेम्स खेलना पसंद है आपको, या क्यों टीवी देखना पसंद है आपको? वांट टू से, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? मैम, yes, one by one you can go ahead. Yes, Aditya, Vivan has unmuted. Vivan, go ahead. Ma'am, entertainment, first of all, we have a lot of fun playing games like Minecraft. We build houses, we survive to kill the Ender Dragon, a lot of that. That is very entertaining, that's why we play games. There's a lot of adventures in the game you play. So
so you feel very good about it. Aditya? Ma'am, I like playing games because it is challenging and it challenges us and playing and collecting coins and much more. Collecting coins, you get rewards, you get motivated कि अब और fast करना है या और double करना है और कम time में करना है. And it gives us challenge to complete some task. Okay, great. Anyone else? Arush, you want to say something? Krish, Arush, Harsh, Anjali, Part. Do you like Harsh? Do you like playing games, video games? But ma'am, I never see phone. I don't play game at all. Oh, you don't play game? Okay. And do you watch TV, Harsh? Yes, ma'am. Sometimes only. Sorry? Sometimes only, ma'am. Sometimes only. Okay, okay. Great. Great. Very good, Harsh. Okay, Part, you want to say something? Part loves playing games. Yes? मैं क्लास के बाद गेम दिखा सकता हूँ खेल के. क्या कह रहे हो? क्लास के बाद मैं गेम दिखा सकता हूँ खेल के. हाँ दिखा सकती हो, but then you have to take permission of Palak ma'am. Okay. Great. Path, you want to say why do you play video games? Because I like them. Why do you like them? It's something very Because they are funny. They are funny. And amazing. And adventurous. Adventurous. Okay. Great. Okay. And Anjali and Rutva, do you play games? Any video game or any watching any TV or being sometimes. Yes, ma'am. I do play Candy Crush and some childish games because I love childish games. Okay. And most, ma'am, it's like in our home, me and Aditya get only 2 hours in a Sunday and rest all the day, 6 days in a week, we don't play games. Okay, you have a great, good fixed schedule. Great, good, yes, good. Ma'am. Okay, and how about Rutva? Do you play sometimes? Which game do you like to prefer, Rutva? Rutva's mother is saying something. What is she saying? No, ma'am, she was sister. She's a sister. Rutva plays Among Us a lot. Okay, and that is about? Ma'am, it is about ghost and we have to complete the task. Okay, great. So it is majority of the games is either of running, either of hitting, beating, killing, running, completion of task. Okay, so video game is a part of screen time. How about television? Television, ma'am, television. I do, yes. Watch TV. You do watch TV? Okay. Any, is there any particular serial you? Ma'am, I am. You also? I'm watching Kapil Sharma. Kapil Sharma, okay. How about Vivan? I can see your raised hand, Vivan. Ma'am, recently I've got really into anime on my laptop. I'm seeing Japanese anime every single time in English dub. It's a lot of fun seeing on my laptop. Okay. Great. Okay. Anyone else who sees TV? Ma'am, I love to watch series in Netflix. Okay. You watch series on Netflix, okay. Yes, ma'am, like child series. Okay. Yeah. And in Prime, I watch Young Sheldon. Okay. Yeah, that is also a series. Yeah, I've heard about it. Good. Okay, ठीक है. तो अब हमने ये मान लिया है कि हम सब लोग अपने नॉर्मल रूटीन में गेम्स खेलते हैं, टीवी भी देखते हैं और अपना स्मार्टफोन भी यूज करते हैं और लैपटॉप भी यूज करते हैं. ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं वो बेसिक है, पानी पीते हैं वो बेसिक है, और हम ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी बायोलॉजिकल बेसिक नीड्स है. वैसे अब लॉकडाउन की वजह से यूजिंग मोबाइल भी हमारी बेसिक नीड हो गई है ना, और लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते थे तो हम एंटरटेनमेंट के लिए भी हम घर पे ही बैठे बैठे टीवी देखते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे और स्मार्टफोन यूज करते थे. स्मार्टफोन में व्हाट्सएप कॉलिंग हो गया, कुछ ऐप सोशल मीडिया की एप्लीकेशन यूज करनी कर ली हम लोगों ने, यानी वो हमारा पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन गया. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो है हमारे लिए,
लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब में इन्वॉल्व होते होते हम कहीं अपनी नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं, है ना? जैसे कि अगर हमें हाफ एन आवर खेलना चाहिए तो हम उसका हाफ से 2 आवर कर देते हैं, खेलते खेलते पता ही नहीं चल जाता 3 घंटे कब हो जाते हैं, 2 घंटे कब हो जाते हैं, 1 घंटा कब हो जाता है, राइट? सेल्फ कंट्रोल. ओके, सो आई डोंट से कि हमें गेम्स नहीं खेलनी चाहिए. ऑफकोर्स हमें गेम्स खेलनी चाहिए, ऑफकोर्स हमें हमारे कजन से बात करनी चाहिए, ऑफकोर्स हमें कपिल शर्मा या टीवी पे जो भी पसंद हो देखना चाहिए. सब चीज का एक शेड्यूल होना चाहिए. टीवी भी देखनी चाहिए, उसके अपने फायदे हैं, ठीक है? आपको मोबाइल फोन भी यूज करना चाहिए, लेकिन मोबाइल फोन का सही यूज करना चाहिए. गेम्स भी खेलनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट गेम्स खेलनी चाहिए, ठीक है? अब हम सबको पता है कि हम जो भी गेम्स खेलते हैं या जो भी टीवी देखते हैं, हमें एक बहुत अच्छी फीलिंग, सैटिस्फैक्टरी फीलिंग आती है. जैसे आदित्य ने कहा कि अगर मैं अपना टास्क टाइम पे कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एंड दैट इज रियली मोटिवेटिंग, राइट? कुछ रनिंग की गेम्स आती है, हम सेकेंड आते तो हमें लगता है शिट अब तो मुझे फर्स्ट आना है, फिर हम वापस से खेलते हैं टू परफॉर्म बेटर, राइट? ये करते 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 हम लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं स्क्रीन पे. अब क्या आपको पता है कि नेगेटिव इफेक्ट क्या है? पूरे दिन स्क्रीन पे देखते हैं तो पूरे दिन मोबाइल यूज करते हैं, पूरे दिन गेम्स खेलते हैं, पूरे दिन टीवी देखते हैं. किसी को पता है कि उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं? आदित्य, यू नो, टेल मी. मैम, एक्चुअली हमारी आईज तो ऐसे बिगड़ती है, पर है ना, हमने जब वो फोन रख दिया तो भी हमें दिमाग में वो चलता रहता है कि मैं कल ऐसा करूँगा, ऐसा कहूँगा, आज ऐसा हुआ, ऐसा कहूँगा, उसके बारे में इमेजिनेशन होते हैं और दिमाग में ऐसे ही रहता है. वेरी गुड आदित्य, इज टेलिंग के प्रीऑक्यूपाइड थॉट्स हर वन सेकेंड. हाँ बेटा, यानी कि मैंने गेम तो खेल ली, लेकिन गेम खेलने के बाद भी मैं उसी जोन में हूँ. अरे मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे लेफ्ट नहीं राइट वाला बटन चलाना था, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना था, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगी और मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगी. यानी हमने गेम तो बंद कर दी है, लेकिन वी आर स्टिल इन द गेम्स. ओके, लेट्स गो टू हर्ष एंड देन रुत्वा. हर्ष, टेल मी. मैम, आदित्य हैज ओनली टेकन माय सेंटेंस. ओके हर्ष, आदित्य हैज सेड द सेम थिंग यू वुड लाइक टू से. ओके, यस रुत्वा, गो अहेड. And it also affects sometimes in our brain, like we are defeated for so many times, it affects our brain. Yes, of course, it's a way, we have a negative effect, long-term negative effect on our brain. Yes, Harsh? My mama saw my video that the one uncle were playing a game on street and he doesn't know that he was crossing the road, but the accident. Not being mindful when to use mobile phone. Road cross करते करते भी मोबाइल फोन यूज करना, राइट? गुड एग्जाम्पल हर्षी. यस अंजलि. Yes, ma'am. I have made two observations when we just see movie together, when we play game. First, when I have seen that कभी भी आदित्य game खेल के बाहर आता है 1 घंटा खेल के, then he'll just talk about it के पापा आज मैंने इतने kill किए, today I got this much A coins and today I got this reward and next week I'll get this. एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज माइन के जब भी हम लोग सैटरडे नाइट हमारी मूवी नाइट होती है तो जब भी हम लोग मूवी देखते हैं साथ में, देन आई जस्ट ऑब्जर्व दैट 2 डेज तक ना हमारे घर में इंक्लूडिंग मी हम सब लोग उसके ही डायलॉग बोलते रहेंगे, जैसे कि हेरा फेरी का खा के उठा ले रे बाबा, तो वो कंटिन्यूज ही रहेगा कहीं पे भी, राइट? हम उसी जोन में रहेंगे, राइट? यस अंजलि, हम उस जोन में रहते हैं. ठीक है क्रिश, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ टू मच बीइंग ऑन मोबाइल और टेलीविजन? विवान वांट्स टू से. क्रिश, यू वांट टू से समथिंग फर्स्ट? बैड इफेक्ट्स ऑन आवर आईज. ओह, आई एम, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, कैन यू रिपीट अगेन? बैड इफेक्ट्स ऑन आवर आईज. आईज, यस, इट अफेक्ट्स आवर आईज. यस, इट अफेक्ट्स आवर आईज. यस विवान.
मैम आईज का तो इफेक्ट होता है बट दिस प्रॉब्लम जस्ट हैपेंड टू मी रिसेंटली आई एम हैविंग कंटिन्यूस ट्यूशंस ऑन ऑनलाइन एंड सिंस आई अटेंडेड वन होल डे ऑफ ओनली ऑनलाइन ट्यूशंस आफ्टर दैट माय हेड वाज पेनिंग वेरी बैडली दैट्स व्हाई रिसेंटली ओनली आई गॉट अ हेडेक बाय बीइंग ऑन द लैपटॉप सो लॉन्ग एंड वेयरिंग हेडफोन्स द साउंड गोज इन आवर ईयर एंड इट इज स्टिल इन आवर माइंड So it causes headaches too sometimes. Yes. You become sensitive to light, you become sensitive to the noise and you cannot look at the screen because of excessive looking on the screen. Okay. Anyone else? Parth, you want to say something? Yug, you want to say something? Okay. Hum koi bhi cheez karte hai na, hum, if, for example, ek coin hota hai, uske do sides hote hai. Theek hai? Pros aur cons. तो जिस जो एक बेनिफिट भी होते हैं लिमिटेशंस भी होते हैं हम एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल और टीवी यूज करते हैं लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो उससे क्या होता है अब सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है मैं ये नहीं कहूंगी मोबाइल बंद कर दो लैपटॉप बंद कर दो टीवी बंद कर दो मैं ये कहूंगी कि आप जब भी यूज करो आप यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि क्या ये जरूरी है यूज करना अभी क्या मैं इसका सही यूज कर रही हूँ क्या मैं इस चीज को यूज कर रही हूँ या मोबाइल मुझे यूज कर रहा है या टीवी मुझे यूज कर रहा है क्योंकि हम अपने आसपास वाले लोगों को इग्नोर करके सिर्फ मोबाइल पे या सिर्फ गेम्स पे बैठे रहते हैं लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दूंगी आप अपने आपका फ्री टाइम है तो आप या तो टीवी देख रहे हो या मोबाइल फोन यूज कर रहे हो और आपकी मामा आपको कह रही है कि प्लीज कम एंड हैव डिनर एंड यू सो मच बिजी दैट यू डोंट इवन रिस्पॉन्ड टू हर ऐसी कितनी बार होता है राइट और यू डोंट यू टेल हु मने अवे नथी खावानो हु पछी खाइस राइट वी से सच डायलॉग्स अगेन वी डोंट रिप्लाई हर है ना यानी हम आसपास वाले लोगों को भूल जाते हैं और सिर्फ उसमें ही चले जाते हैं वी जस्ट बी देयर यानी हम मोबाइल को यूज नहीं करें मोबाइल हमें यूज कर राइट ओके तो अब मैं आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बताना चाहूंगी ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी मोबाइल यूज करो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक्सेसिव यूज करूंगा तो मेरे साथ क्या क्या होगा तो फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे अपने हेल्थ के लिए पहला है बिहेवियर प्रॉब्लम यानी हम जब एक्सेसिव मोबाइल एक्सेसिव टीवी या एक्सेसिव कुछ भी करते हैं तो हमें कुछ बिहेवियरल इश्यूज आते हैं यानी हमें ज्यादा गुस्सा आएगा इरिटेशन आएगा क्योंकि मैं 3 घंटे से ट्राई कर रही हूँ मैं वो अचीव करने के लेवल लेकिन मुझसे अचीव ही नहीं हो रहा है फिर गुस्सा कहाँ निकलता है अपनी मम्मा पे अपने पापा पे अपने दादा दादी पे या अपने फ्रेंड्स पे जो बिल्कुल गलत या हम बहुत इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम 8 बजे का खाना 11 बजे खाना खाते हैं वी डोंट फॉलो अवर स्केड्यूल है ना वी शो रॉन्ग बिहेवियर वी डोंट रिस्पेक्ट पीपल अराउंड अस वी आर सो मच इनटू इट और इसमें हमारी गलती नहीं है क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं कि हम क्या करें हमें बस टास्क कंप्लीट करना है तो हमें गुस्सा आता है इरिटेशन फील होता है बिहेवियर फ्रस्ट्रेशन फील होता है होमवर्क टाइम पे तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता ये सब पता है कब होता है जब वी डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल यानी मैंने सोचा कि मैं और आदित्य लेट्स से भाई बहन है या मैं और हर्ष भाई बहन है हमने सोचा कि मैं और हर्ष और आदित्य से 7 to 8 यूज करेंगे लेकिन जब 7 to 10 यूज करने लगते हैं जो सोचा उससे ज्यादा और लॉन्ग डेज तक तब ये शूज आते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से डिसाइड करो आप कितनी देर मोबाइल यूज करोगे और ये जरूरी है कि आप मोबाइल क्यों यूज कर रहे हो नॉर्मली हम यूट्यूब पे एक्सप्लोर करते हैं तो हम एक वीडियो से दूसरी वीडियो दूसरी से तीसरी ऐसे पूरा घूम जाते हैं और हमारे 2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं राइट ओके देन एजुकेशनल एकेडेमिक प्रॉब्लम है ना हम बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं या बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं स्क्रीन टाइम यूज करते हैं तो हमें बहुत एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आती है क्या कोई बता सकता है क्यों और कैसे विवान इज रेजिंग हैंड यस विवान मैम एकेडमिक्स में तो डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगी बिकॉज इफ वी आर ओनली प्लेइंग गेम्स वी आर ओनली फोकस इन द गेम सो व्हाइल क्लास अस वी आर अटेंडिंग लाइक वी आर स्टिल स्टक इन द गेम लाइक गेम में नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा तो हम लोग क्लास पे फोकस नहीं करते कि क्या चल रहा है लाइक अगर समझ भी आ जाता है टॉपिक तब अगर गेम में घुस जाते हो तो वो टॉपिक वापस याद नहीं रहता यस
बिल्कुल सही कहा भवाने कि हम प्री ऑक्यूपाइड होते थॉट से. फॉर एग्जाम्पल जैसे आदित्य की गेम कंप्लीट हो जाती है तो आदित्य बताते कि मैंने आज ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, तो जब वो शेयर करता है उसकी चीजें वहीं खत्म हो जाती हैं, यानी उसके थॉट्स वहां से रिलीव हो जाते हैं, नाउ ही कैन फोकस ऑन स्टडीज. लेकिन जब हम हमेशा उसी जोन में होते हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते, हम होमवर्क का टाइम भी गेम में देते हैं, है ना, फिर हम सेल्फ स्टडी का टाइम भी गेम में देते हैं. और फिर देखो जब आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है, वहाँ बच्चे होते हैं, टीचर होती है, मस्तियाँ होती है, लेकिन घर पे तो आप अकेले होते हो तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी होता है. तो आपकी फेवरेट चीज है लेट्स अगर गेम खेलना, तो आपका ध्यान वहीं जाएगा, आज मैं गेम में कैसे खेलूंगा, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा, कौन से फ्रेंड्स को ऐड करूंगा. अगर आपको फूड पसंद है तो आप सोचोगे मैं मम्मी को क्या बोलूं, शाम को खाने में क्या बनाया, आज मैं क्या खाऊं, है ना. तो आपके एकेडमिक्स डायरेक्टली ही जो है अफेक्ट होते हैं क्योंकि आपका ध्यान नहीं होता. ये क्या कब होता है, जब हम बहुत एक्सेसिव यूज करने लगते हैं ना तब होता है. आप एक दो बार गेम खेलोगे तो ऐसे नहीं होगा, कि आप एक दो बार टीवी देखोगे तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन आप एक्सेसिवली रोज रोज जैसे आप बोलो कि नहीं मुझे तो मोबाइल के बिना चलता ही नहीं, जब जब आप ये स्टेटमेंट यूज करने लगो तब ये सब पॉसिबिलिटीज है, यू विल फेस ऑल दीज प्रॉब्लम. ओके, वन ऑफ द वन मोर प्रॉब्लम इज वेट गेन और एक्सेसिव वेट गेन और एक्सेसिव वेट लॉस. क्योंकि हम बहुत ज्यादा टीवी पे होंगे या हम लोग मोबाइल पे होंगे तो हम खाना भी टाइम पे नहीं खाएंगे, तो या तो हमारा या तो हम जो खाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा खा के कब हजम हो गया. लेट से मैं अगर अपने मोबाइल पे देख रही हूँ कुछ और मैं ऐसे खाती जा रही हूँ, आई हैव नो कंट्रोल एंड आई हैव नो माइंड व्हाट आई एम ईटिंग, हाउ मच आई एम ईटिंग, और मैं लेटे लेटे खा रही हूँ, गलत पोजिशन में खा रही हूँ, ऑफकोर्स इधर आई विल गेन वेट, इधर आई विल लूज इट, राइट, बिकॉज यू आर नॉट माइंडफुल व्हाट आई एम डूइंग. ऐसे होता है टीवी देखते हो आप लोग, फेवरेट पिक्चर देखते हो, बाजू में पॉपकॉर्न होता है, वेफर्स होते हैं, अरे खत्म हो गया पता ही नहीं चला किसने खाया ये. अंजलि वांट्स टू से समथिंग. यस अंजलि. यस मैम. मैम जब हम ब्रेक के बाद मूवी देखने तो भी मतलब जैसे 30 मिनट्स ओवर हो जाते हैं और भूख लगने लगती है कि कुछ खाना है कुछ खाना है, मूवी के साथ कुछ चाहिए, ऐसा टीवी देखने बैठते तब भी हमें फीलिंग आती है कि वी वांट टू ईट समथिंग, वी आर फीलिंग हंग्री, इवन तो हमने डिनर कर लिया होता है, लंच कर लिया होता है, स्टिल वी फील लाइक नो नो आई वांट टू ईट समथिंग, क्योंकि वी सी लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एक्चुअली ऑफ गुड फूड, राइट, एंड दैट इज सो अट्रैक्टिव एंड वी फील लाइक ईटिंग, है ना. ओके, एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग ऑन दिस, ऑन फूड और ऑन एकेडमिक्स और बिहेवियर इश्यूज. ओके, अ स्लीप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ना, रात को नींद नहीं आती, ऐसी लगता है गेम खेलो गेम खेलो गेम खेलो गेम खेलो, टीवी देखो टीवी देखो, मेरा फेवरेट सीरियल देखो, नेटफ्लिक्स देखो, अमेज़न प्राइम देखो, गेम खेलो, है ना. मैम एट नाइट वी सी इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम यस एक्सप्लोर करूं, यस स्मार्टफोन से. हाँ बोलो. मुझे ना उल्टा होता है, मैं खेलता हूँ ना तो मुझे नींद आने लगती है. हाँ, आप खेलते हो आपको नींद आने लगती है शायद बिकॉज ऑफ द स्क्रीन, पॉसिबली इट इज पॉसिबल पार्ट. रुत्वा वाज सेइंग समथिंग. मैम दैट ओनली वी सी रील्स एट नाइट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट स्लीप एट नाइट टिल 1 o'clock और 2 o'clock. यस, बिकॉज वी आर ऑन द स्क्रीन, वी आर यूजिंग स्क्रीन, लॉट ऑफ स्क्रीन, राइट, एक्सप्लोरिंग इंस्टाग्राम फेसबुक दिस एंड दैट. ओके, स्लीप प्रॉब्लम यानी रात को नींद नहीं आती, मन होता है, एक्चुअली नींद तो आती है पर मन होता है कि मैं गेम्स खेल लूं, मन होता है मैं इंस्टाग्राम पे ना पोस्ट डाल दूं, अपनी फ्रेंड की प्रोफाइल देख लूं. हर्ष वांट्स टू से समथिंग. हर्ष, यस मैम, आई वांट टू से दैट व्हेन आई एट नाइट आई समटाइम्स आई टेक माय डैडस मोबाइल एंड आई एक्सप्लोर ऑन यूट्यूब फॉर सम वीडियोस of free fire and that, so right. So I'm in exploring in that only, and when it becomes a 1 hour 2 hours 3 hours I don't knew that. Yes, we don't realize where our time is going because we are so much dedicated and focused into exploring the data we want to read, possibly free fire, possibly some video, possibly some
यू नो मूवी एनीथिंग. ओके तो टाइम कहाँ जाता है पता नहीं चलता. और पता है कहते हैं कि जब भी आपको सोना होता है ना, फॉर एग्जाम्पल योर स्लीपिंग टाइम इज 10 o'clock इन द नाइट, एंड तो एटलीस्ट 9 o'clock के बाद मोबाइल नहीं उठाना चाहिए, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है एंड इट रियली अफेक्ट्स ब्रेन. आपको पता है इसमें से बहुत सारे रेस निकलते हैं जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, इसलिए कभी भी मोबाइल के साथ नहीं सोना चाहिए. अलार्म लगाओ तो नॉर्मल जो अलार्म क्लॉक आता है वो लगाना चाहिए, और सोने के पहले एटलीस्ट 1 hour तक मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए. इट रियली अफेक्ट्स योर आईज. रात को जितना मोबाइल की लाइट देखोगे, मोबाइल पे स्क्रीन पे देखोगे, उतनी ही आपको आई पे अफेक्ट आएगा. Part wants to say something? No. Okay. Okay. Then there's one more thing. हम लोग का family relationship बहुत disturb हो जाता है. यानी हम आसपास वालों को जो है focus ही नहीं कर पाते, भाई बहन को support नहीं कर पाते, उनसे ध्यान से respectfully बात नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतना mobile में होते हैं या हम इतना गेम्स में होते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मम्मा पूछ रही है कि खाने में क्या खाना है, so much super busy. You don't respond her. That is, which is very sad, right? Isn't it? Mummy puchi kya khana khana, you don't even look at her. And imagine she's just cooking for you. Have this happened to you? Is anyone of you have done this anytime? Kya kisi ne? No, ma'am. Kya kisi ne bhi kiya hai? Ma'am, I want to share. Want to share, Harsh? Go ahead. I was playing a mobile. Then mama asked what. Will you eat? Then I have tell the what the coins and get reward diamonds and that we get. So I tell the purple energy ball. Then she search that what is that, but it was in free file. So she after she take the mobile and she tell what are you doing. Okay, and what did she found out, Harsh? She found out of means it is a thing of Free Fire. It's a thing of Free Fire. Okay. I want to give you example over here. I've written one example. Let's say when you're hungry, you ask your mother to give food. Okay, and you know what? I am sure even if she's using her mobile, she's super busy. She will keep her mobile aside and she will talk to you. And she will prepare some food for you. She will take 2 minutes to get up, but she will do it. But when we are busy and our mother is calling us, what we do is, Mummy, I am busy. Mummy, who game Ramuchu? Mummy, I am busy. Mummy, can we do it after some time? Right? This is the answer we do. We give, right? Isn't it? है ना, आपकी मम्मी आपको बुलाती है तो आप कहते हो ना कि मम्मी अभी मैं बिजी हूँ. अच्छा, किसमें बिजी हूँ? गेम खेलने में. मैं ये नहीं कहती गेम मत खेलो, मैं कहती हूँ अपने आसपास वालों को भी कंसिडर करो. राइट रुत्वा, आर यू फाइन? यू लुकिंग लिटिल अपसेट. नो मैम. यू फाइन ना? ओके. विवान, यू वांट टू से समथिंग हियर? मैम नो डाउट्स हियर. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपका लंच टाइम या डिनर टाइम होता है तो मोबाइल साइड में रखे खाना खाया करो, अपने फैमिली को टाइम दिया करो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोबाइल तो आएंगे जाएंगे, गेम्स भी आएंगी जाएंगी. जितना अच्छा आपकी फैमिली आपको फील करवा सकती है, उतना कोई भी फील नहीं करवा सकता. चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे आपके वो फ्रेंड्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, तो यू शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम. एंड यू नो व्हाट इज रिस्पेक्टिंग? गिविंग देम टाइम, योरिंग देम आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोबाइल तो 3-4 नए और आ जाएंगे, गेम्स भी नई नई निकलती जाएंगी, लेकिन जो टाइम अभी आप स्पेंड करो पेरेंट्स के साथ आपको वापस नहीं मिलेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फैमिली टाइम. इसको बोलते हैं स्केड्यूल बनाना, कि ये मेरी वैल्यू है. कुछ भी हो जाए ना, मैं मोबाइल नहीं देखती जब मैं खाना खाती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ. दैट इज माई वैल्यू. सो यू शुड ऑल्सो गेट सम वैल्यूज, यानी ऐसे कुछ आपको अपना स्केड्यूल बनाना चाहिए कि नहीं, मैं जो है रात को मोबाइल यूज नहीं करूंगी, या मैं इतनी देर तक ही करूंगी, कुछ भी हो जाए इतना ही करूंगी, कुछ भी हो जाएगा मेरी मम्मी बुलाएगी, मैं कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ छोड़ दूंगी. सो यू शुड ऑल्सो डेवलप वन ऑफ द क्वालिटीज एंड इट विल रियली हेल्प. एटलीस्ट द व्हेन यू टुगेदर फॉर द फूड, यू शुड नॉट सी लुक एट योर मोबाइल्स. एंड यू शुड पुट अ कॉम्पिटिशन इन टू द हाउस. यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी वन ऑफ यू
जितने भी आप छोटे छोटे लिटिल मास्टर्स हो, अपने जब भी खाना खाने बैठो डिनर टेबल पे, सबके मोबाइल लेके एक जगह पे डिनर टेबल पे रख दिया करो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यस अंजलि, वांट टू से समथिंग? यस मैम. व्हेन आवर मॉम डैड कम्स आफ्टर द ऑफिस, इट्स लाइक आवर रूल, मी एंड आदित्यस रूल, दैट दे शुड नॉट पिक अप देयर फोन आफ्टर 9, एंड इट्स कंपलसरी. Very good, Ulanjali. I'm really happy. Very good. It was the idea for Aditya and we implemented it together. Very good. So you will have a good family time. Yes, and then you can share things and you can share your stories. Din kaisa gaya, din kaisa nahi gaya. Hai na? We share our day story. We play cards and sometimes we watch TV together. Very good. Now the next point, agar hum bahut zyada jo hai टेक्नो फ्रेंडली हो जाते हैं, यानी मोबाइल जो है, टीवी और वीडियो गेम जो भी है स्क्रीन यूज करने लगते हैं, तो कहीं कहीं हम अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को, अगेन सोशल रिलेशनशिप को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देते हैं. दिस आई कवर्ड द लास्ट पॉइंट. इन द लास्ट पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट हु आर नियर बाय यू. देखो जो मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं वो चीजें बनी होती हैं यूज करने के लिए, है ना, लेकिन जो हमारे सोशल रिलेशनशिप होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो बने होते हैं कंसिडर करने के लिए और रिस्पेक्ट करने के लिए. लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतना बदल गए हैं कि हम अपने मोबाइल को रिस्पेक्ट करते हैं और पेरेंट्स पे और अपने फ्रेंड्स पे, टीचर्स पे ध्यान नहीं देते, है ना. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी डू. ओके, अब Any doubt you want to ask, you want to tell about your experience, you want to ask anything about mobile, TV, Netflix, Instagram, Facebook, Snapchat, anything you want to ask about, you want to tell, share some story. Okay, so okay, one more negative point, ki bahut mobile use karoge to family time nahi bachega. Okay, now we all are living in virtual life. सब वर्चुअल लाइफ में रह रहे, कोई भी रियल लाइफ में नहीं रह रहा है. आपने देखा है, आप लोग बाहर खाना खाने जाते होगे, तो जैसे लास्ट ईयर गए होगे, लेट्स से 2019-20 में, तो सब लोग पहले फोटो निकालते हैं फिर खाना खाते हैं. क्या ये किसी ने ऑब्जर्व किया है? हाँ हाँ, फिर स्टेटस पे फोटो डालते हैं अबाउट टूडेज नाइट, अबाउट जी जम्बानी रात एंड वॉट नॉट, राइट. Do you feel ये जरूरी है सच्चे photos डालना फिर ही खाना खाना? No ma'am. नहीं, आप मना भी कर सकते हो, मतलब आप हाँ भी बोल सकते हो. बताओ. We have really started living in virtual life. कैसे है पता है? पहले हम कुछ भी करते, पहले हम Instagram पे डाल देते हैं या Facebook पे डाल देते हैं, WhatsApp status पे डाल देते हैं. We want to show off कि देखो हम क्या कर रहे हैं. पर क्या हम सच में अपनी जिंदगी से खुश हैं? क्या हम वो मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं, या क्या हम वो सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से अपना खाने का स्टेटस डाल देती हूँ ताकि मेरी फ्रेंड को पता चले मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ, जबकि तुम एंजॉय नहीं कर पाए. फोटो लेने में ही तुम्हारा आधा खाना का टाइम निकल गया, राइट. ऐसे होता है. आई थिंक इफ रुतवा इज यूजिंग इंस्टाग्राम शी नोज अबाउट इट, राइट रुतवा? यस मैम. राइट. Or we all are living in virtual world. वैसे we can make fool also. For example, I am using Facebook and I put I am into Hayat or Taj. No one will come to know मैं सच में Hayat या Taj गई थी कि नहीं, जबकि मैं अपने घर पे भी बैठी होंगी ना तो भी पता नहीं चलेगा. Virtual world में हम सब एक दूसरे को fool बनाते हैं, लेकिन real life हमारे घर पर होती है, लेकिन हम पता नहीं क्यों show off करना चाहते हैं. लेकिन I have a story for that. My sister Ayana, she has Instagram and Snapchat. Whenever we go to Starbucks, we drink, and but we still keep the cap and then she takes pictures with the Starbucks cap on and posts it on Snapchat and Instagram, but they will not know if she's even drinking it because it's already empty. Right, that is there. So in virtual world, we just show what we want to show, not the reality. Hai na? Okay. What else? Okay. Here's one very important point. जब आप लोग mobile, TV और games खेलते हो या screen use करते हो, you will not get bored. बच्चा party, which is very important.
बोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि बोर नहीं होगे तो सोचोगे नहीं तो ख्याल नहीं आएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगा, आपकी थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, यू विल मिस अ बिग पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे बोर हो, कुछ सोचे, कुछ आइडिया निकाले, कुछ अपने प्लान्स बताए, उन प्लान्स पे थोड़ा डांट खाए, फिर जिद करके जो है वो जिद कर करके उनको मनाए, इज वेरी इम्पोर्टेंट। आजकल हमारे पास वी आर प्री ऑक्यूपाइड विद एवरीथिंग, तो हम सोचते ही नहीं है कि इसके बाद क्या करना है। इफ यू टेक माई एग्जाम्पल, जब से मोबाइल फोन आए हैं, आई ओनली रिमेम्बर माई फोन नंबर एंड माई मदर्स फोन नंबर, आई डोंट इवन रिमेम्बर माई फादर्स फोन नंबर। लेकिन अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होता, आई एम श्योर मैंने उनका नंबर भी याद किया होता। तो जब से मोबाइल फोन आए हैं, हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, हम अपना ब्रेन यूज नहीं करते, राइट? हम नंबर्स, वी डोंट ट्राई टू रिमेम्बर नंबर्स और समथिंग एल्स, वी पुट एवरीथिंग ऑन मोबाइल फोन। हम लोग का थिंकिंग कैपेसिटी बहुत डाउन हो गया है ना। पहले जब बच्चे बोर होते थे तो वो सोचते थे, लेकिन अब हमें बोर होने का ही मौका नहीं मिलता है। हम सोचते बोर हो रहे, चल चल मम्मी मोबाइल आवा दे, मम्मी मम्मी चल लेट्स डू दिस। वी डोंट स्पेंड टाइम, वी डोंट गो फॉर शॉपिंग, वी डोंट टॉक टू अवर दादी माँ, वी डोंट सिट विद एनीवन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट, टू थिंक, टू गेट बोर्ड, ऐसे दीवारों को निहारना भी बहुत जरूरी है, तो ही आपको आइडियाज आएंगे, वरना आइडियाज नहीं आएंगे, है ना। चाहे फ्लॉप से फ्लॉप आइडिया आए, लेकिन वो आने जरूरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग प्रोसेस। हाँ, इररेस्पेक्टिव आप एकेडमिकली कितने भी स्मार्ट हो, ब्रिलियंट हो, बोर होना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। बट वेन यू प्री ऑक्यूपाइड विद थिंग्स, आप बोर नहीं हो पाओगे, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ पाएगी। ओके, जिसको कहते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वो नहीं हो पाएगा। डू यू नो वॉट इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एनी वन? हर्ष, डू यू नो? रुत्वा, अंजलि, आदित्य, यू नो वॉट इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स? मैम, डूइंग व्हिच वन हैव नेवर डन। यस, वी ट्राई टू गेट एंड एक्सप्लोर डिफरेंट आइडियाज फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्लान, है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा सोचते, सॉरी, और उसमें फिर आइडियाज निकालते, ठीक है। अब ज्यादा फोन यूज करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे हम स्कूल में बिजी हैं, ट्यूशन में बिजी हैं, सोने में बिजी हैं, खाना खाने में बिजी हैं, जो हमें एंटरटेनमेंट के 1 आवर या 2 आवर मिलते हैं, उसमें भी अगर हम सिर्फ गेम्स खेलेंगे तो हमारा कोई कम्युनिकेशन होगा किसी के साथ, हम बात ही नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी फीलिंग्स कब शेयर करोगे? When you will say what you want to do, आप कब पापा मम्मी को बोलोगे कि मैं बोर हो रहा हूँ, या मुझे बुरा लग रहा है, या मुझे अच्छा लग रहा है, या मैं खुश हूँ, या मैं खुश नहीं हूँ, तो हमारा कम्युनिकेशन कितना हो जाता है। हाँ पार्थ, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ मैं बोर हो रहा हूँ। वेरी गुड पार्ट, हमेशा एक्सप्रेस करना चाहिए, हमेशा कम्युनिकेट करना चाहिए अपनी हर फीलिंग। बोलती है कि कुछ भी करो, मम्मी कहती है कुछ भी करो, तो मम्मी को कहो आप भी मेरे साथ करो, साथ में करते हैं। मम्मी काम कर रही होती है तब तो यू कैन हेल्प पार्ट, यू कैन हेल्प योर मदर फॉर सम टाइम, आई एम श्योर। ओके, बट इट इज गुड पार्ट दैट यू शेयरिंग। तो अपने अपने दिल की बात बताना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी चीज में व्यस्त हो जाते हैं तो वो नहीं कर पाते, वो दिल में रह जाती है, फिर पता क्या होता है, फिर हम उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला हमको समझेगा। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको पापा मम्मी को बताना है मुझे भूख लग रही है, उनको नहीं पता चलेगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको बताना है मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों भी आपको बताना है, पर आप सिर्फ मन में रखोगे कि आपके साथ गलत हुआ और चौथे दिन पे आप उनको बोलोगे कि मने नथी गम टू, इट इज नॉट गुड। व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, यू प्लीज टेल देम एट द वेरी सेम पॉइंट। ओके, व्हाट इज द अदर नेक्स्ट पॉइंट इन माय बुक? वी डोंट मूव आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। किड्स, गेम खेला तो खेला, जिस पोजीशन में खेल रहे हो उसी पोजीशन में खेल रहे होते, टांग इधर से इधर भी नहीं करते लेटे लेटे, है ना। टीवी देख रहे तो देख रहे आराम से लंबा होके, वी डोंट मूव, दैट मींस वी आर नॉट मूविंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। स्क्रीन आ गई है ना,
तो ऐसे स्क्रीन आ गई तो ऐसे नहीं सोचते कि सामने वाली दुकान से जाके ग्रोसरी लेकर आए. यस हर्ष यू वांट टू से समथिंग. मैम बिकॉज वी आर बिजी इन दैट सो वी आर कंटीन्यूअसली सीइंग दैट. वी आर कंटीन्यूअसली व्हाट सीइंग ओनली दैट थिंग. Yes, sir. We are seeing only that thing. Yes, that means we are not getting out of our comfort zone. When the mommy tells that do that, then we don't answer and do that thing. बिल्कुल सही कहा. मम्मी कहती कुछ अलग सा कर दो, कुछ काम कर दो, सामने वाली स्टोर से ले आओ, तो हम नहीं जाते. हम मम्मी की बात ही नहीं मानते क्योंकि हमें वो करना ही नहीं पसंद. हमें सिर्फ टीवी स्क्रीन वीडियो गेम ही पसंद है. ठीक है, वेरी गुड. ओके, व्हाट एल्स वी हैव इन द बुक. यस, लेस थिंकिंग नॉट यूजिंग ब्रेन. जो मैंने आपको बताया, जब से मोबाइल फोन्स आए हैं हम याद नहीं करते, कोशिश नहीं करते, ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते, बोर नहीं करते. ठीक है, अब ये सब तो हो गई लिमिटेशन. क्या आप स्क्रीन टाइम का कोई बेनिफिट है? क्या मोबाइल फोन का कोई बेनिफिट है? गेम वेम से कोई बेनिफिट है क्या? यस मैम. हाँ, कौन बताएगा? मैम मैं बताऊँ? हाँ बताओ, वन बाय वन. मैम इन मोबाइल देयर इज अ ऐप नेम गूगल. वी कैन फाइंड एनीथिंग वी डोंट गेट. ओके यस, यू कैन गेट डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट नॉलेज फ्रॉम गूगल एंड विकिपीडिया. यस ओके, अंजलि वांट्स टू से समथिंग. यस मैम. आई लव कुकिंग एंड बाय यूजिंग यूट्यूब आई गेट न्यू क्रिएटिव आइडियाज ऑफ कुकिंग एंड देन आई इंप्लीमेंट इट एंड देन आई गेट वाह. Great. You can learn different things, different videos, different things you like to learn. Vivan is raising hand. Yes, Vivan. Ma'am, the most obvious thing which phone is for communication. Like with like without a phone, we cannot communicate from one place to other until unless we have a telephone or something. Right, right. Very good, Vivan. Yes. So if I go to the mall and I want to call Vivan, I can call from the mall, irrespective where I am. So for communication, yes. Anyone else? Chris, you want to say something? Parth, you? Yeah. I think there are a lot of benefits of the screen time. Okay. We also use screen for our entertainment. Yeah, right? Hamare entertainment. Mummy ho bored. I'm getting bored, mama. So I want to see TV. I want to play games, right? But I want to suggest here something, kids. It's a very important point here. कि आप बोर होते हो, ये एंटरटेनमेंट है, ये आपका सेल्फ टाइम है ना, तो सेल्फ टाइम में से आधा घंटा रोज एक हॉबी को दिया करो. वो हॉबी कुछ भी हो सकती है. वो हॉबी पेंटिंग हो सकती है, आर्ट हो सकती है. जैसे अब आप सब लोग कोडिंग करते हो, वो आपकी हॉबी है, ये आपको करना पसंद है. इट इज वेरी गुड किड्स, कीप इट अप. इसी तरीके से एनीथिंग एल्स इफ यू फील लाइक डूइंग इट, उसको रोज हाफ एन आवर या वन आवर फॉलो किया करो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, स्क्रीन टाइम भी है, स्क्रीन भी देखा करो, गेम्स खेला करो, लेकिन अपने सेल्फ टाइम में एक हॉबी डेवलप करो. इट विल रियली हेल्प यू. एंटरटेनमेंट के नाम पे हम पूरे दिन मोबाइल या टीवी पे नहीं बैठ सकते. एंटरटेनमेंट हमें एंटरटेन करने के लिए होता है, राइट? लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें. ओके, और देयर इज वन मोर थिंग. वी हैव टू बी वेरी मच माइंडफुल जो हम खाना खाते हैं, जो हम टीवी पे देखते हैं, जो हम नेट पे देखते हैं. बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम माइंडफुल रहें, क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वो ही बनते हैं. डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? वॉट यू हियर, वॉट यू सी, वॉट यू ईट, यू बिकम लाइक दैट. मेरी मम्मी भी ऐसा ही बोलती है. आपकी मम्मा भी ऐसे ही कहती है? अरे वाह. Anyone else wants to put a point here? Ma'am, can I tell you something? Yes, Anjali. Ma'am, my YouTube account and Aditya's YouTube account is linked with my mother's account, so she can see everywhere, everything like we what we watch. That is really good. We should not hide anything from our parents. If anyone says to you regarding internet, ye secret hai. So that is the first thing you should go and tell to your parents or to the one whom you trust. It could be teacher, friends, brother, sister, sibling. Koi bhi secret nahi rakhna chahiye. So it's very good. Now, one more important point on this.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम लिटिल डिसिप्लिन इन लाइफ ओके यानी वी शुड नाउ एवरी वन ऑफ अस फ्रॉम नाउ वी शुड सेटअप टाइम हमें टाइम सेटअप करना चाहिए कि हम दिन में डिवाइस कितना टाइम यूज करेंगे क्योंकि हम डिवाइस को नहीं चलाते डिवाइस हमें चलाता है जब तक डिवाइस का मन होता है तब तक वो हमारे हाथ में चलता रहता है इजंट इट कि आप लोग डिवाइस आप लोग सोच के बैठते हो कि आज मैं सिर्फ हाफ एन आवर यूज करूंगा या वन आवर यूज करूंगा डू यू थिंक दिस एंड देन यूज एनीवन 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 सोच के तो बैठते कि एक घंटा ही करेंगे पर एक घंटा का दो घंटे कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता राइट एक घंटे का दो घंटा कैसे हो जाता है इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल बीइंग माइंडफुल एक घंटा बोला यानी अंजलि वन आवर नॉट चाहे फिर कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज आ जाए कितनी भी फेवरेट मूवी आ जाए यू हैव टू लीव द मोबाइल दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन हाँ पांच दस मिनट बुरा लगेगा लेकिन देन यू कैन गेट इन टू बेटर थिंग इसलिए कहते हैं कि हम मोबाइल को नहीं चलाते मोबाइल हमको चलाता है मोबाइल तो हमने बनाया लेकिन मोबाइल हमको चलाता है राइट अंजलि यस मैम राइट ओके आई स्पोक अबाउट हेल्थ आप सबको पता है कि आईसाइट वीक होती है बैक की प्रॉब्लम होता है विवान ने बताया हेडेक होता है this has been happening to me also taking classes on zoom back to back my eyes starts paining my head starts paining it is very important ki jab aapka self time ho to aap koi hobby create karo koi hobby develop karo kuch new padho ek roz ek rule bana do apne life mein ki roz ke din mein har roz ek din ya main kuch new seekhunga chahe new word ho new aadat ho या मैं अपनी मामा पापा के साथ कोई न्यू टॉपिक पे बात करूंगा या उनको शेयर करूंगा जी यस यस गो अहेड मैम हाँ हम मंडे और थर्सडे को सीखते ही ऐसी टैग मेन्यू थिंग्स यस ये आप बिल्कुल सीखते हैं अब आपको खुद से भी कुछ सीखना है यानी कोई न्यू वर्ड हो आपने कुछ न्यू बुक रीड कर ली हो कोई नॉवेल हो कुछ भी ओके वन सेकेंड आई एम ओपनिंग द वर्कशीट जस्ट वन सेकेंड हाउ ओके आई सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अपना जो है टाइम फिक्स करके बैठें कि मैं कितनी देर मोबाइल यूज करूंगा कितनी देर मोबाइल यूज नहीं करूंगा Ma'am, we cannot see the worksheet. Yes, one second, beta. I'm just trying to explore it. Just opened it. One second. Okay, I'm sharing the screen with you. Okay. Now you can see, beta? Yes, ma'am. Great. Okay, so there are certain screen rules you must check. Who will read? Anjali, can you read what is written on the screen? Ma'am, Aditya, can you read? Yes, ma'am, Aditya. Can I? Yes, Aditya. Can I? Screen time rules. To on 2 hours of screen time, you must make your bed, brush your teeth. Tidy your bedroom, read for at least 20 minutes, spend 30 minutes doing something creative, complete 2 chores, use your manners. यानी हम लोग पता है क्या करते हैं आदित्य कभी कभी हम लोग इतने लेजी हो जाते हैं कि बेड बनाए बिना ही सुबह उठते ही सीधा मोबाइल यूज करते हैं हम पेरेंट्स भी ठीक है सिर्फ बच्चे लोग नहीं हम पेरेंट्स भी हम दादा दादी भी हम लोग ऐसा करते हैं हम ब्रश नहीं करते उसके पहले मोबाइल यूज करते हैं हम बेडरूम ना साफ नहीं करते मोबाइल यूज करते हैं हम पढ़ रीड नहीं करते और पहले मोबाइल यूज करते हैं तो हम सबको ये सारी हैबिट्स जो है बेटा डालनी चाहिए और फिर मोबाइल यूज करना चाहिए दीज ऑल हैबिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी शुड रीड फॉर 20 मिनट्स ओके वन मोर थिंग यस दिस इज अ एक्टिविटी We are all are supposed to do today in the class.
ठीक है, आपको अगर सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए आपकी लाइफ में, वो आपको खुद लाना पड़ेगा। मैं नहीं ला सकती, मैं अपने लाइफ में ला सकती हूँ, आदित्य अपने लाइफ में ला सकते हैं, विवान अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो आपको अपने लिए रूल्स खुद बनाने हैं। जैसे मैंने आगे बताया कि नॉर्मली हमें पहले ब्रश करना चाहिए, बेडरूम बनाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, नहाना चाहिए, फिर मोबाइल यूज करना चाहिए, वैसे ही अब आपको भी अपने लिए कुछ रूल्स बनाने हैं कि मॉर्निंग में मैं जब तक ये काम नहीं कर लेता आई विल नॉट टच मोबाइल, आफ्टरनून में मैं ये काम नहीं कर लेती तब तक आई विल नॉट टच मोबाइल, मैं वीकेंड पे जब तक ये चार काम नहीं कर लेती आई विल नॉट टच मोबाइल। सो नाउ एवरीवन विल मेक देयर ओन रूल्स एंड दे विल फॉलो इट। डोंट मेक रूल्स फॉर मी और योर पेरेंट्स, मेक रूल्स दैट यू कैन फॉलो। ऐसे रूल्स बनाओ जो आप खुद फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये किसी को भी अच्छा लगाने के लिए नहीं है, ये आपके खुद के पर्पस के लिए है और आपको फॉलो करना है दिल से इसको। तो मॉर्निंग में जब तक मैं ब्रश नहीं कर लेता, प्रे नहीं कर लेता, नहा नहीं लेता, एक घंटा पढ़ाई नहीं कर लेता, तब तक मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा। कुछ भी ऐसे आप कुछ भी डाल सकते हो, मॉर्निंग आफ्टरनून और वीकेंड के लिए। आर द इंस्ट्रक्शंस क्लियर चिल्ड्रेन? रुत्वा, पार्थ, विवान, अंजलि, हाँ, हर्ष, ग्रेट, युग, युग, आर यू देयर बेटा? युग, क्रिश, युगेन, क्रिश, क्रिश, द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर? ग्रेट, वील स्टार्ट डूइंग इट। ओके, एवरीवन हैज देयर हैव देयर ओन वर्कशीट्स ना, यू कैन फिल इट इन देम, है ना? कोई बात नहीं, I was just checking क्या क्लास में हो के नहीं। ओके मैम, आपको अपने रूल्स खुद बनाने हैं और ये रूल्स बिल्कुल रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मम्मा को अच्छा लगेगा या टीचर को अच्छा लगेगा, ये रूल्स ऐसे होने चाहिए जो आप फॉलो कर सके। देखो ये आपके बेसिक्स है, अगर आप अभी कोशिश करोगे तो ही आपसे कंप्लीट हो पाएगा। अगर कंप्लीट नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, कोशिश बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि हम डिसिप्लिन रहें लाइफ में, मोबाइल हमें यूज ना करें, हम मोबाइल को यूज करें, राइट? वी शुड नॉट बी रोबोट्स ऑफ मोबाइल फोन, वी हैव मेड द मोबाइल, मोबाइल हैज नॉट मेड ह्यूमन बींग। सो वी कैन लिव आवर लाइफ पीसफुली, हैप्पीली, वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकल के हम रियल लाइफ में रह सकें, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। Ma'am, yes. Ma'am, we have to do this worksheet also. Yes, I will tell you. Not now, but I will tell you how to use this worksheet better. Okay, ma'am.
Then we have to write it right now. Yes, the worksheet which I've given you about making morning break, morning, afternoon and dinner. The night one. Yes, Rutva. Ma'am, we have to write the screen time rules. One second, wait. Yes, you have to write the screen time rules and not screen time tracker. स्क्रीन टाइम रूल्स जैसे मैंने आपको आदित्य बताया कि ऊपर जैसे तू ब्रश करना है, बेडशीट बनानी है, रूम बनाना है, 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग करना है और फिर ही मोबाइल फोन यूज करना है. वैसे ही आप सबको अपने अपने रूल्स बनाने हैं कि मैं मॉर्निंग में एटलीस्ट ये चीजें फॉलो करूंगा, ये रूटीन करूंगा और इसके बाद ही मैं अपना मोबाइल फोन उठाऊंगा या इसके बाद ही मैं अपना जो है गेम उठाऊंगा या मैं लैपटॉप खोलूंगा. आपको अपने रूल्स खुद बनाने हैं, खुद के लिए जो अचीवेबल हो, जो रियलिस्टिक हो. जैसे इन द नाइट आई मेक अ रूल दैट आफ्टर हैविंग माय डिनर आई डोंट टच माय मोबाइल. माय ब्रदर इज स्माइलिंग ऑन मी. नो रियली आई मेक श्योर आई एटलीस्ट ट्राई माय बेस्ट कि मैं खाना खाने के बाद अपना मोबाइल फोन यूज नहीं करूं और आई पुट इट समवेयर आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल एट इन द सेम कॉर्नर ऑफ माय हाउस सो दैट इट इज नॉट रीचेबल टू मी. So similarly, you also have to make some rules that you are able to follow. So if you want to read somewhere, you have to start. So this is the starting point, kids. Has anyone completed? No. Ma'am, I have completed. Great. Rutva, will you like to share with us? Yes. Yes, ma'am. Go ahead. Ma'am, in morning, I clean my whole bed. After I do brush, I do breakfast. I pray to God. In afternoon, I will use screen time after lunch. And after I will go to sleep for 1 hour. And in weekend, after I play to after I clean my whole room, I pray to God. I do bath. I take lunch. Okay, great, very good, Rutva, very good. So now you start from this, okay?
और इसको जहां पर भी आप व्हिचएवर रूम यू स्लीप और यू स्पेंड द टाइम आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम प्लीज स्टिक इट देयर समवेयर ऑन द सॉफ्ट कोट और ऑन द वार्डरोब और ऑन द कबर्ड उसको वहां पे रखना ताकि हमेशा विजिबल रहे तो अगर आप भूल भी जाओगे तो वो आपको याद दिला देगा Anjali, Parth, Yog. Ma'am, I'm ready. You're ready, Vivan, go ahead. In morning, I'll not do screen time until I have washed my face and brushed my teeth. I have fully woken up, set my bed and blanket and checked the time. Okay, great. Afternoon, I'll not do screen time until I have finished my homework, eaten my lunch, cleaned my room and taken an afternoon shower. Okay. And for the weekend, I'll not do screen time until I have taken a bath, brushed my teeth, meditated for 15 minutes and eaten my breakfast. Okay, great. Very good. Very good. And now you all can also add up that in a day, how much time you want to give yourself for screen, including TV, including video games, including, mobile phone, anything, scrolling. Ma'am, I already have a limit. My dad has actually added an app to my Xbox and my phone. I can use my phone internet for 2 hours, and I can play on the Xbox for 1 hour. Okay, that's great. You already have a limit. Great. Very good, Vivan. Okay. Harsh, you want to say something? Yes, ma'am, I have done. You have done? Can you share with us, Harsh? Yes. Go ahead. I will not get mobile until I will not take a bath. I will not get mobile until I will not do my homework. I will not get mobile until I will not go to take milk. I will not get mobile after playing down in the morning. Okay. What is the last sentence you said, Harsh? I will not get mobile after playing down in the morning. Okay. And afternoon. I will not get mobile after lunch. I will not get mobile when I will not do my homework. And ma'am, it is optional. Harsh has written a very good part. Harsh has written, I will not get my mobile unless and until I do all these activities in the day. So he has written the opposite, but very good, Harsh. Harsh ने लिखा है जब तक मैं होमवर्क नहीं कर लेता, ब्रश नहीं कर लेता, जब तक मैं नीचे खेल के नहीं आ जाता, तब तक मुझे मोबाइल नहीं मिलेगा. So it's not an option, it's a compulsion for him. Very good, Harsh. Okay. It is only 2 hours. Okay. Aditya, you want to say something? Harsh, 1 second. Yes, Aditya, go ahead. Ma'am, can I say mine? Go ahead. Ma'am, I have written in the weekend. So, first thing is the homework should be completed. Second, the home should be tidy. Third,
I should play sometime with toys and means to stay working, not sitting early. And fourth, eating breakfast. After eating breakfast. Okay. That's I skip great. Breakfast many times. Okay. So now you will not break skip your breakfast. Yes. How about your eating salt? Ma'am, I have implemented. I have very good. Very good, very good, very good. Anyone else? Anyone else wants to add up? They're on their routine. You want to share with us in the class? Okay. The next activity I want you to do in the house, not here, is I don't know how to rotate this. Trying to rotate it up. I'm really sorry. One second. Yes, so there is one worksheet called Activity Tracker, I think. Ma'am, I know how to rotate it. Can I tell you? Yes, please tell me if you can guide me. Yeah, ma'am, very up you can see plus sign. Yeah, plus. Beside it, there's a rotate called. I'm called, not able to see the plus sign, that is issue. Ma'am, minus and plus sign, there you can see. Minus n plus, no, I'm really sorry, it is not there, that is why. Ma'am, I can see the three dots. Zoom. You can give your control to me, I can control your screen. How to give the control? Oh, I'm not really tech friendly. Okay, remote control. Yes, ma'am. Over there. Okay. Approved. I've approved. Yes, ma'am. So, it's not allowing me. I think it's done. Vivan Jetalia 30 is controlling your room. Okay. Great. Thank you, Vivan. Lots of love to you. Thank you, beta. Okay. Great. Yes. So we have screen time tracker. Okay. If you want to see ki aap kitna time mobile use karte ho, if you want to be in a real world. आपको सच में ये जानना है तो यू कैन यूज दिस वर्कशीट. इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, आप जब भी अपना सेल फोन, वीडियो गेम, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन कुछ भी यूज करते हो, ठीक है, तो आप उसके बाजू में डे ऑफ द वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिख दो, और जब भी जो एच है उसमें कितने आवर्स यूज किया है और मिनट्स में कितना मिनट यूज किया है वो लिख सकते हो. तो लेट्स से आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन आपने 1 आवर मोबाइल यूज किया है तो यू कैन राइट 1 आवर. आपने 1 आवर कंप्यूटर यूज किया तो यू कैन राइट 1 आवर और आपका टोटल हो जाएगा 2 आवर. इस तरीके से आप में सेल्फ अवेयरनेस आएगी कि आप एक दिन में कितना मोबाइल यूज करते हो और किस चीज के लिए, और आपको लगेगा कि हाँ मैं इसमें कम कर सकता हूँ, तो इट इज इन योर हैंड्स टू डिडक्ट इट और टू लेसन इट. इट इज अ वेरी यूजफुल एक्टिविटी. लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि लेट्स से आज थर्सडे है तो आज थर्सडे के दिन मैंने कितना फोन यूज किया, कितना वीडियो गेम चलाई, कितना टैबलेट यूज किया, कितना टीवी देखा, तो एटलीस्ट आप में एक इनसाइट आएगी कि हाँ मैं दिन में एटलीस्ट इतना यूज करता हूँ. और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है तो आप उस पर कम कर सकते हो. अब कहाँ कम करना है वो आपको डिसाइड करना है, राइट मैम? यस रुतवा मैम, व्हाट इफ इज इट फॉर दैट स्टडीज और दिस इज यूजिंग योर मोबाइल, दिस इज यूजिंग योर स्क्रीन रुतवा. हम लोग जो स्क्रीन यूज करते हैं ना उसके लिए है. लेट्स से रुतवा कि मैं दिन में 5 आवर्स यूज करती हूँ मोबाइल, तो आई विल राइट 5 आवर्स. मैं दिन में 2 घंटा वीडियो गेम खेलती हूँ तो आई विल राइट 2 आवर्स ऑफ वीडियो गेम. और मैं टेलीविजन 1 आवर देखती हूँ तो मैं लिखूंगी 1 आवर. तो टोटल मेरा स्क्रीन टाइम हो गया 8 आवर्स आउट ऑफ 24. इससे मुझे पता चलेगा कि मैं स्क्रीन टाइम मेरा कितना है.
तो आपको एक सेल्फ अवेयरनेस आएगी. एस इज फॉर आवर्स, एम इज फॉर मिनट, और ऊपर सारे सब टाइटल्स दिए हैं कि सेल फोन है, वीडियो गेम है जिसमें स्क्रीन होते हैं, टैबलेट होता है, कंप्यूटर लैपटॉप होता है, टेलीविजन होता है ना, मीडियम ऑफ स्क्रीन. एनी डाउट ऑन दिस? एनी डाउट ऑन दिस? नो मैम. एनीवन? आप पूरा एक वीक लो, जैसे आज थर्सडे है तो आप आज थर्सडे से शुरू करो उसको फिल करना. यू डू इट ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. डोंट डू इट ऑन संडे, डू इट ऑन मंडे. मंडे इवनिंग यू शो इट टू मी. ओके, मंडे नून को सब मुझे ये भेजना, बिकॉज वी आर नेक्स्ट अगेन मीटिंग इन ऑन मंडे. ठीक है. Do you have any questions? You want to ask something? Do you have a query? You want to share something in the class? No, ma'am. Pakka, Rutva? Ma'am, I have something to share. I actually found this picture like 2 days ago. It's a very interesting picture. Yes, go ahead, Pivan. Yeah, ma'am, I saved this picture. Can you see it? Yes, it's an elephant with a ma'am, over here we should count how many animals are in this picture. We need to count that. Okay. Four animals. I think yes, four. Five. I can see at least five. Ma'am, it's six animals. Yes, seven animals. Seven? Yes, I can see seven. So your answer is seven? Yes, I can see an elephant. I can see by the trunk, I can see the fish. And then near the trunk, I can see a alligator or a crocodile. And then we have donkey down the line. Then we have dog. Then we have cat. And then near donkey's trunk, I can see some mustaches. So possibly it's a cat figure. Not sure. Yeah, ma'am. But I can see a fish. Sorry? The fish is on the trunk, no? Ma'am, there's a rat also. Yes, there's a rat also. Okay. Ma'am, you'll not believe. What is the max number we can get? Counting the rat, you found eight, right? Yes, eight. But you will not believe it. There are actually ma'am, six. Ma'am, I can find tortoise. You can find tortoise. Okay. There are actually 16 animals in this picture. Is it? Yeah, ma'am. I can show you which ones are there. Where? Okay. So a dolphin, crocodile, hen, prawn, mouse, cat, sword, snake, swordfish, snake, dog, donkey, mosquito, elephant, and then we have tortoise, beaver, fish, and a bird head. We have 16 animals in total. A very good activity for the concentration, Devan. Hmm. Very good activity for the concentration. I also at the very start only found like five. Right. A very good one. Great. Anyone else wants to share something? I hope you like today's class. लॉट ऑफ टेक अवे. अब एटलीस्ट आपको पता चल गया है कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करोगे तो क्या होगा, गेम खेलोगे तो क्या होगा. तो अगर उसमें से कुछ हुआ तो फिर ध्यान रखना, आप खुद जिम्मेदार हो. मम्मी की डांट पड़ी तो आप जिम्मेदार हो. राइट हर्ष, क्रिश, रुतवा? यस मैम. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सेशन. थैंक यू. आज तो मेरा स्टाफ भी वो बोलते कि मैम हमें भी ये जानना चाहिए, तो सब बैठ गए थे. वर्थ अटेंडिंग. थैंक यू मैम. आई होप कि बच्चों को भी मजा आया होगा. जो जो मैम ने आपसे जो भी चाहिए, एटलीस्ट बेटा एक भी चीज अगर आप करते हैं तो यू कैन सी द चेंज इन योर लाइफ, राइट? Yes, starting from the worksheet, I feel, अगर at least ये पता चल जाना कि हम कितना use करते हैं मोबाइल. Exactly. And the second thing is कि हमको मोबाइल को चलाना है, मोबाइल को हमको नहीं चलाना है. Perfect. तो बहुत ज्यादा जरूरी है. And the third time,
अपना डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मैंडेटरी है कि मैं इतना इतनी चीजें तो रूटीन फॉलो करूंगी या करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा. इफ दिस हैपेंस हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स विल वैनिश. एग्री वेरी नाइस. आई एम एंजॉयड और मैंने तो मतलब दिमाग में सब कुछ सेट कर लिया है, अगर मैं कहीं पे चूक रही हूँ तो वो भी मैंने चेंज करना आपसे शुरू कर दिया. ग्रेट मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू किड्स. Okay. See you on Monday. Yes. Bye, everyone. Bye, everyone. Have a great day. Bye, ma'am. Bye. See you on Monday. Bye, ma'am. Thank you. Yeah. You too. Bye. Hello, bacha party. Video on karo. Ashu, Maitri, Anshul, Priyanshi. ओके चलो. सो आज चैप्टर 8 प्रैक्टिकल मैंने जो कमिट किया था, मैं मेरे कमिटमेंट पे हूँ. ओके बट मैं ही कमिटमेंट पूरा क्यों करूं? आपकी भी बारी है ना कमिटमेंट पूरा करने की. सो सबसे पहले मैं आपके लिए आज सरप्राइज जावा प्रैक्टिकल लेके आई हूँ. एक ही प्रैक्टिकल मैं दूंगी, राइट? मुझे देखना है कि क्या आपको आता ही. आप तो अभी मतलब प्रैक्टिकल में बहुत मजा आता है आपका पेपर देखने में. एक्सेलेंट, सच में. तो देखना है कि क्या आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जावा में. अगर हाँ तो फिर हम काम करेंगे चैप्टर 8 पे, नहीं तो चैप्टर 7 वापस से शुरू. ओके चलो बेटा. मैत्री प्रियांशी, छेल्ली वक्त कहू छू, वीडियो ऑन करो.